हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिनेकल पर एक बार फिर से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आप सभी को पता है कि एनालॉजी का जो टॉपिक है वो हमारा इस टाइम चला हुआ है, जिसमें कि 400 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अभी रहते हैं वो भी हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406। ठीक है, 405 तक क्वेश्चन हमने अब तक कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें हमें दिया गया है वर्ड क्लस्टर्स दिए गए हैं, कुछ मतलब लेटर्स जो हैं लेटर के क्लस्टर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है इन लेटर क्लस्टर में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन दो लेटर क्लस्टर में आपस में हमें एक रिलेशन बनाना है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे आपका सेकंड वाले से थर्ड वाला, या फिर मतलब सेकंड से फर्स्ट वाला, वो आपकी मर्जी है आप कैसे उसे देखना चाहते हो। फर्स्ट से सेकंड पे जाइए या सेकंड से फर्स्ट पे, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। फिर आपको सेम वे में रिलेट करके LAP को सॉल्व करना है और बताना है कि उसके लिए क्या कोड आप बनाओगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। TOK दिया गया है और हमें दिया गया है SN और J। तो इसमें क्या हमारा लॉजिक लगा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए टी से पहले आता है एस, इसका मतलब कि एक स्टेप हमें पीछे जाना पड़ा है। सिमिलरली जो ओ है, ओ से पहले हमारा एन आता है, इसमें भी हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ा है। ठीक है, एक स्टेप बैक गए हैं हम, अल्फाबेटिक ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप ABCD काउंटिंग करते हो तो के से पहले जे आता है, यानी यहाँ पे भी एक स्टेप पहले वाला जो हमारा अल्फाबेट है वो लिया गया है। तो हमें लॉजिक पता चल गया कि हमें क्या करना है, एक पहले वाली पोजीशन वाला जो लेटर है वो हमें लेना है। तो सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसा कि हमने इसमें देखा है, सब में -1 -1 -1 आपको करना है। ठीक है, तो जब L में से एक माइनस करोगे तो L से पहले क्या आता है वो आपने लिखना है, वो हमारा होता है K। A से पहले क्या आता है, अब A से पहले वैसे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन A से पहले हमारा जो आता है वो Z होता है। क्योंकि जब भी ABCD में आप काउंट कर रहे हो, और अगर आप बैक काउंटिंग स्टार्ट करते हो कि CBA, तो लास्ट में जो मतलब उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो ZYX ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो A से पहले क्या आएगा, हमारा Z आएगा। और इसी तरीके से P से पहले क्या आता है, एक स्टेप अगर आप बैक जाते हो तो O आता है। तो क्या बन गया हमारा, KZO। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल ही सिंपल सा था, सिर्फ -1 रूल लगा है और उसके थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 407। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें एक है जूट एंड सेकंड वर्ड है सैक। तो जूट और सैक में हमें देखना है ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और सेम वे में जैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसी वे में आपको देखना है वुड से क्या रिलेटेड होगा इन चार ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अगर आप जूट और सैक में रिलेशन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो सैक है यानी कि बोरी जो होती है, बोरी जिसे हम बोलते हैं, वो किससे बनी होती है, वो जूट की बनी होती है। यानी कि जूट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सैक। ठीक है, जूट मटेरियल जो है वो हम बोरी को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सिमिलरली आपको बताना है वुड किसके लिए यूज करते हो, लकड़ी का यूज इनमें से किसको बनाने के लिए होता है, फर्नीचर के लिए, ब्राउन, प्लास्टिक या हार्ड के लिए। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग जैसे ही ऑप्शन देखोगे नेक्स्ट तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कि जैसे जूट से सैक बनती है यानी बोरी बनती है, वैसे ही वुड से क्या बनता है, हमारा जो फर्नीचर होता है वो बनता है। ठीक है, क्लियर है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 408। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है रोड, ROAD, ये एक वर्ड दिया गया है ROAD। इसमें हमें क्या दे दिया, साथ में यहाँ पे T दे दिया है, इसके साथ R दे दिया है, यहाँ पे E एंड यहाँ पे I हमें दिया गया है। यानी R को T से रिप्रेजेंट किया गया है, O को R से रिप्रेजेंट किया गया है, A को E से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी तरीके से D को I से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें हमारा जो है वो क्या रूल लगा है वो देखिए, R की जो पोजीशन होती है वो होती है हमारे पास 18 और T की होती है 20। तो 18 से 20 की पोजीशन पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा है, 2 ऐड करना पड़ा है। इसका मतलब दो पोजीशन आगे जाना पड़ेगा या 2 ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, O की पोजीशन जो होती है वो हमारे पास होती है 15, R की होती है 18। तो 15 से 18 वाली पोजीशन वाला अल्फाबेट लिया गया है, इसका मतलब कि +3 यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सेम वे में अगर आप देखोगे, ए की जो पोजीशन है वो होती है 1 एंड ई की जो पोजीशन है वो होती है 5। तो 1 से 5 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा है, 4 हमें ऐड करना पड़ा है। क्लियर है, और सेम वे में अगर आप देखोगे, इसकी पोजीशन 4 होती है और आई की पोजीशन हमारे पास जो है वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, 5 ऐड करना पड़ा है। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट लेटर है हमारा उसमें 2 ऐड करना है, सेकेंड में 3 ऐड करना है, फोर्थ में 4 ऐड करना है और अगले में 5 ऐड करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास जो वर्ड दिया गया है मिंट, मिंट की कोडिंग करके आपको बताना है इस लॉजिक के थ्रू कि आपका क्या बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिंट में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनकी पोजीशन जो है वो लिख लेते हैं। जैसे कि एम कौन से नंबर पे आता है, वो आता है 13 नंबर पे। आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। एन कौन से नंबर पे आता है, 14 पे। और टी कौन से नंबर पे होता है, 20 पे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम हमें करना है। 13 में तो 2 ऐड होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर में 2 ऐड करना है, तो 15 बन जाएगा। 9 में आपका 3 ऐड होगा, ठीक है, 12 बन जाएगा। 14 में 4 ऐड करना है, कितना बन जाएगा, 18, यानी कि 18 बन जाएगा। और 20 में हमने 5 ऐड कर दिया तो 25 बन गया। अब आपको पता चल गए आपके जो लेटर्स आएंगे उनकी पोजीशन आपको पता चल गई कि एक 15 पोजीशन होगी, एक 12 होगी, एक 18 होगी और एक 25 होगी, ठीक है ना। अब देखिए 15 पोजीशन किसकी होती है, वो होती है ओ की। ओ जो देखते ही आपको पता चल गया कि बी और सी में से तो हमारा आंसर नहीं होगा, ए या डी में से हमारा एक कोई भी इनमें से आंसर हो सकता है। वो राइट आंसर क्या होगा वो हमें कौन बताएगा, ये जो नेक्स्ट पोजीशन है 12 है, 12 की जो पोजीशन होती है उस पर कौन आता है, एल आता है। तो ओ और एल आते ही ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, ए भी हमारा इसमें से नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट जैसे ही हमें दो फर्स्ट लेटर्स का पता चला हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 409। अब इसमें क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका वो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिया गया है, दो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, एक है फिल्म एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोड्यूसर। तो फिल्म और प्रोड्यूसर में आपस में क्या रिलेशन है, कि फिल्म इज मेड बाय प्रोड्यूसर, तो क्या रिलेशन आया, मेड बाय। तो फिल्म को तैयार कौन करवाता है, किसके द्वारा वो तैयार की जाती है, जो निर्माता यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो तैयार कराता है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, ये जो दिया गया पेयर है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से देखना है पोइम किसके द्वारा तैयार की जाती है, मेड बाय और वी कैन से रिटन बाय, क्योंकि पोइम जो है वो बनाई नहीं जाती, वो लिखी जाती है। तो हम देखेंगे कि पोइम किसके द्वारा लिखी जाती है। तो जैसे ही आप लोग ऑप्शन देखोगे, डायरेक्टर है, एक्टर है, पोइट है एंड कोबलर है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोइट के द्वारा। कि जैसे फिल्म का जो निर्माण करता है या जो फिल्म को बनाता है वो कौन होता है, प्रोड्यूसर। इसी तरीके से पोइम को बनाने वाला या पोइम को क्रिएट करने वाला कौन होता है, वो हमारा होता है पोइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दिए गए हैं दो नंबर्स और उन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। देखिए ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को आपस में किसी लॉजिक के थ्रू कोई एक पैटर्न लगा के इनको आपस में रिलेट किया गया, तो वो क्या पैटर्न है वो देखते हैं। देखिए 596 था, उसका बना दिया गया है 965, तो क्या पैटर्न यूज किया गया है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है कि जो मिडल वाला जो नंबर था, बीच वाली जो डिजिट थी, उसको फर्स्ट वाली डिजिट बना दिया गया है एंड जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट थी उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके सेकंड और थर्ड बना दिया गया है। यानी कि 6 को पहले ले आए, 5 को बाद में ले जाएं, तो 65 बना, वो 9 के पीछे लिख दिया, यानी कि लास्ट की दो डिजिट्स जो हैं वो हमारी बन गई हैं। तो हमारा जो है वो 596 था, अब वो बन गया है 965। सेम वे में हमें क्या करना है, 824 जो दिया गया है उससे हमें एक नया नंबर बनाना है, सेम पैटर्न आपको लगा है। तो इसमें हमने क्या किया था, मिडल वाले नंबर को हमने फर्स्ट नंबर बना दिया था, तो वो 2 बन गया, 2 आगे आ गया हमारा। फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट वाले की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज करना है, स्वैपिंग करनी है हमने, यानी 4 आ जाएगा आगे, 8 आ जाएगा पीछे और वो हमारी बनेगी लास्ट वाली डिजिट्स। तो क्या बन गया, 248 हमारा हो गया, और 248 हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो 410 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 411, ठीक है। अब 411 में हमें क्या दिया गया है, दो लेटर्स हैं, एक है सीजन एंड जो नेक्स्ट है वो है विंटर, ठीक है। तो सीजन और विंटर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हम बोल सकते हैं कि विंटर इज अ सीजन, कि जो सर्दी है वो एक ऋतु है। तो जिस तरीके से विंटर एक सीजन है, आपको देखना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक फिगर होगा, ठीक है। तो हमें ढूंढना है इन चारों में से एक फिगर कौन होता है, डायगोनल एक फिगर होता है, कोण एक फिगर होता है, ट्रायंगल एक फिगर होता है, या फिर साइड्स फिगर होती हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए डायगोनल यानी कि विकर्ण है वो तो आकृति का एक पार्ट होता है, ये आकृति है और उसमें ये जो डायगोनल बन गए, ठीक है, तो वो खुद में कोई आकृति नहीं होते बल्कि वो किसी आकृति का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो एंगल होता है, मान लो कि आप ये ट्रायंगल बनाते हो, इसमें हम बोलते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो जो एंगल है वो एक आकृति नहीं है, वो आकृति का एक पार्ट है।
और इसी तरीके से जो साइड्स हैं, मान लो कि ये आपके पास एक कोई भी स्क्वायर है, कोई भी रेक्टेंगल है, तो इसकी चार साइड्स बन गई हैं और उन साइड से मिलके आपकी फिगर बनती है। लेकिन साइड्स जो है वो खुद में एक फिगर या एक आकृति नहीं होती, भुजाएं जो होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो इसमें बनेगा कि एक प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर आकृति जो आपकी होती है वो एक ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आया है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 412 है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दो वर्ड्स जो दिए गए हैं जिनको आपस में रिलेट किया गया है वो है कोल्ड एंड रेफ्रिजरेटर, और आपको जिनका निकालना है कि क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन हमें देखना है वो हॉट के साथ रिलेट करके देखना है। पहले कोल्ड और रेफ्रिजरेटर को आपस में रिलेट करते हैं, तो कैसे रिलेट करेंगे कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका यूज हम कोल्ड करने के लिए करते हैं किसी भी सामान को, या एनवायरनमेंट जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर वो कैसा होता है, कूल होता है, तो रेफ्रिजरेटर का पर्पज होता है कूलिंग करना। सेम वे में आपको बताना है हीटिंग इनमें से किसकी हेल्प से आप करा सकते हो, तो पेपर की हेल्प से, कोल्ड की हेल्प से, ओवन की हेल्प से, या एसी की हेल्प से। तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल हम घरों में यूज करते हैं ये जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसकी हेल्प से हम कैसा एनवायरनमेंट जनरेट कराते हैं, हॉट एनवायरनमेंट। जैसे रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट बनाता है, सेम वे में ओवन जो होता है वो हॉट एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413 हमारा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको दिया गया है फिर से एक लेटर क्लस्टर दिया है आर ओ एल एंड एफ इसको लिखा गया है, और इसकी जो कोडिंग करके बनाया गया है वो है वी टी आर एम, इसको लिखा गया है वी, ये है टी और ये है आर एंड दिस इज एम, तो वी टी आर एम इसका बना दिया गया है। अब इसमें हमें देखना है किस तरीके से ये बनाया है, तो सिंपल सी बात है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर से सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबके अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख लीजिए, आर जो है हमारा वो कौन से नंबर पे आता है, 18 पे आता है, ओ हमारा आता है 15 पे, ये 12 पे, एंड एफ जो हमारा होता है वो है 6 नंबर पे, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे लिख लीजिए, ये 22 हो गया, ये 20 हो गया, ये 18 हो गया और ये 13 हो गया। अब आपको जस्ट इतना देखना है 18 से 22 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे ही 15 से 20 तक जाने के लिए 5 ऐड करने पड़ेंगे, सेम वे में अगर आपको 12 से 18 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करने पड़ेंगे, और 6 से लेकर 13 तक जाना है तो 7 ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें हम 4 ऐड करेंगे, सेकंड में 5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट में 6 एंड लास्ट वाले में 7 ऐड करेंगे। अब ये ऐड हम तभी कर पाएंगे अगर हमें पता होगी कि कौन से लेटर की पोजीशन क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, कि एबीसी में वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे सबसे पहले एन का लिखेंगे, एन एबीसीडी में जब आप काउंट करोगे ए को 1 बी को 2 देके, तो एन जो है हमारा 14 नंबर पे आएगा। ओ जो हमारा होता है वो कौन से पे आएगा, 15 पे आएगा, ठीक है, और जो डी होता है वो 4 नंबर पे, एंड जो पी होता है वो 16 नंबर पे हमारा आएगा, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट है उसमें 4 ऐड करना है, सेकंड में 5, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसको ऐड कर देते हैं। 14 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना बन गया 18, ये 20 बनेगा, ये 10 बनेगा, और ये जो हमारा है वो 23 बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 18 पोजीशन पे कौन होता है, आर होता है, 20 पोजीशन हमारी किसकी होती है, टी की होती है। तो आप देखोगे कि आर और टी वाला हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, उसके अलावा आर और टी किसी भी ऑप्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल श्योर हो जाते हो, अगर आपने सही लगाया है तरीका तो आपका राइट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 10 नंबर पे जे आता है और 23 जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो डब्ल्यू का होता है, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। एग्जाम में आप अगर इन दोनों की हेल्प से भी राइट आंसर क्लिक करके आते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अगर आप श्योर हो, आपने सब कुछ अच्छे से सॉल्व किया है, तो दो लेटर्स का पता चलते ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 414, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है 95 है, और 95 के साथ जो हमें दिया गया है 141 हमें दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, 95 से 141 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें 46 को ऐड कर देते हैं। अगर आप इसमें 46 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 141 बन जाएगा, ऐड करके देख लीजिए आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम फर्स्ट वाले नंबर में, हमारा जो फर्स्ट नंबर है अगर हम उसमें 46 ऐड कर देते हैं तो हमारा लास्ट नंबर आ जाता है, क्लियर है।
इस तरीके से, यानी लास्ट बोल लो या सेकेंड नंबर बोल लो, सेम वे में अगर आप यहाँ पे आपका यही वाली ट्रिक सेम यूज करते हो कि 87 था, 87 में आपको क्या करना है, 46 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा 133, और 133 हमारे ऑप्शंस में दे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 133। तो क्या रूल लगाया हमने, देखा कि फर्स्ट में 46 ऐड करके सेकेंड नंबर मिल रहा है और उसी की हेल्प से हमें हमारा आंसर भी मिल गया, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 415, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है 14 के साथ दिया गया है 68, ठीक है, 14 से आपको बनाना है 68, लेकिन 14 से डायरेक्ट आपका जो है वो 68 तो नहीं आएगा, 14 से आपका जो आ सकता है वो 70 आ सकता है। किस तरीके से, अगर आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो 68 है वो डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन उसके आसपास की एक टर्म है 70, वो आपकी आ गई। अब 70 से 68 बनाना तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे -2 कर देंगे तो हमारा बन गया 68, क्लियर है। यानी हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था, अब हम यहां से ये देख रहे हैं कि हमने क्या लॉजिक लगाया, फर्स्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस कर दीजिए तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड नंबर हमें मिल जाएगा। तो यही रूल लगा के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस करना है और देखना है क्या वो हमारे ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 80, एंड उस 80 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 78 आपका आंसर आ जाएगा, और जो 78 है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है या हमारा जो लॉजिक है वो सेटिस्फाई कर गया है सॉल्यूशन को, और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 415 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपस में रिलेट किया हुआ है, और वो है कोर्ट एंड टेनिस। अब जो रिलेशन, जो जिस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है कोर्ट एंड टेनिस, वैसे ही आपको बताना है कि रिंक इनमें से किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। रिंक का इनमें से किसके साथ संबंध, वही सेम होगा जो कि इन दोनों में है। अब कोर्ट जो होता है टेनिस को खेलने का, जो मैदान होता है टेनिस जहां पे खेला जाता है उस फील्ड को हम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टेनिस खेलने की जो जगह है वहां पे उसे हम कोर्ट बोलते हैं। सेम वे में आपको देखना है रिंक जो है वहां क्या किया जाता है, क्या वहां गोल्फ खेला जाता है, स्केटिंग की जाती है, क्रिकेट खेला जाता है या चेस खेली जाती है, तो वो जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो गोल्फ के लिए हमारा पूरा फील्ड होता है, क्रिकेट के लिए पिच होती है, और चेस के लिए हमारा चेस बोर्ड होता है, और ऐसे ही स्केटिंग हमारी जो होती है वो रिंक में होती है, यानी स्केटिंग जहां की जाती है वहां जो प्रॉपर जो एरिया बनाया होता है स्केटिंग करने के लिए, उस एरिया को हम बोलते हैं रिंक, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 417। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो है कि ग्रीन और कलर को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल वे में ग्रीन इज अ कलर, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि ग्रीन जो है वो एक कलर है। सेम वे में आपको बताना है कि क्रिकेट क्या है, जिस तरीके से ग्रीन हमारा एक कलर होता है वैसे ही क्रिकेट क्या होती है। क्रिकेट एक बॉल है, नो। बैट है, नो। गेम है, यस। हॉकी है, नो। तो राइट आंसर हमारा जो आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमें इसी तरीके से देखना है, ऑप्शंस में आपको देखना है, ऑप्शन से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो क्रिकेट इज अ गेम इन द सेम वे जैसे कि ग्रीन इज अ कलर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया, क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो है आर ओ जे, ठीक है। आर ओ एंड जे हमें दिया गया है, और हमें क्या करना है, इसकी कोडिंग दे दी गई है हमें टी क्यू एल, यानी आर को लिखा गया है टी, ओ को लिखा गया है क्यू, और सेम वे में जे को लिखा गया है हमारा एल लिखा गया है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आर से टी कैसे आया है, और ओ से क्यू कैसे आया है, और इसी तरीके से जे से एल कैसे आया है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट क्या करना है, आर में दो ऐड कर दोगे तो आर के बाद एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें टी दिया गया है, इसका मतलब आर प्लस टू करके हमारा टी आ गया है। सेम ओ के बाद पी आना चाहिए था बट क्यू दिया गया है, तो इसमें भी हमने दो नेक्स्ट पोजिशन हमने ली है, और जे के बाद एल में भी सेम ये किया गया है, तो प्लस टू रूल हमारा यूज हुआ है। तो सेम तरीके से आपको जस्ट ये देखना है इनमें से आपका जो प्लस टू रूल है वो किस में लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप एक एक करके देखोगे, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए, क्या प्लस टू यूज हुआ है, जे के बाद के को छोड़ दिया एल ले लिया, प्लस टू रूल बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। ए के बाद बी को छोड़ के सी ले लिया, प्लस टू अप्लाई हो रहा है। एन के बाद एल ले लिया है,
एन से पहले एम आएगा, एम से पहले एन, यानी कि माइनस टू तो पहले वाला लिया गया है, लेकिन हमारा तो रूल ये कहता है कि हमें प्लस टू और प्लस टू तीनों में ही प्लस करना है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं है। सेम वे में आप बी को चेक करोगे, वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर है राइट वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में हमारा कैसे है, देखिए टी को लिखा गया है वी, U को लिखा गया है W एंड E को लिखा गया है G। आप देख सकते हो T के बाद U स्किप किया गया है, यहाँ U के बाद V को छोड़ दिया गया है, W लिया गया है और E के बाद F को छोड़ के G लिया गया है। सब में ही प्लस टू रूल का यूज किया गया है और वही हमारा लॉजिक था जो कि हमने इस दिए गए पेयर से हमने निकाला था कि ये वाला लॉजिक हमने लगाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 419। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो है आर ओ एल को लिखा गया है यू आर ओ। ठीक है, हमारे पास है आर ओ एल, उसको लिखा गया है यू आर एंड ओ। तो इसमें भी जस्ट आपको ये देखना है आर से यू कैसे बनाया है। आर के बाद एस एंड टी को स्किप कर दिया गया है, यू लिया गया है, तो दो बीच में लेटर स्किप हो गए, तीसरी पोजिशन इसकी तो यानी कि प्लस तीन हुआ है। सेम यहाँ पे किया गया है ओ से आर बनाने के लिए, ओ के बाद पी एंड क्यू को स्किप कर दिया है, आर पे गए हैं तो हमें प्लस थ्री करना पड़ा है। सेम यहाँ किया गया है एल के बाद एम और एन को छोड़ दिया हमने तो ओ ले लिया है, इसमें भी हमारे पास प्लस थ्री रूल यूज हुआ है। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि हमें क्या करना है कि जो हमारे दिए गए ये लेटर्स हैं इनकी पोजीशन में हमें तीन तीन ऐड करना है, हमें नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टी ए जी, इसकी पोजीशन 7 है, इसकी 1 है और इसकी 20 है, सब में तीन तीन ऐड कर दीजिए। सब में जब तीन तीन ऐड करेंगे ये बन जाएगा 23, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। ठीक है ना, तो 23 नंबर पे हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, 3 ऐड करना है तो ये 10 बनेगा। ठीक है, 23 पे होता है W, 4 पोजीशन पे होता है D एंड 10 पोजीशन जो होती है उस पे हमारा होता है J, तो W D एंड J, तो राइट आंसर जो बन गया वो बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 419 का राइट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 420। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है प्लेट एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेट किया गया है, तो किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे प्लेट इज अ पार्ट ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, बर्तन जो प्लेट है वो एक प्रकार का बर्तन है, तो प्लेट इज अ टाइप ऑफ यूटेंसिल्स। एंड इसी तरीके से आपको बताना है कार किसका टाइप है, जैसे प्लेट बर्तनों में से एक होती है, बर्तनों का एक टाइप है प्लेट, ऐसे ही कार किन का एक टाइप है, किन में से किस कैटेगरी में से है, तो ड्राइवर व्हीकल टायर या बाइक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हीकल्स। तो जो हमारी कार होती है वो एक तरह का व्हीकल है, सेम वे में जैसे कि प्लेट एक तरह का बर्तन होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 421। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, आर्क और सर्कल दिए गए हैं। ठीक है, आर्क और सर्कल, अब होता क्या है, ये रहा हमारा सर्कल और इस सर्कल में से मान लीजिए हम इतनी एक, हम इसको बोलते हैं आर्क, इतना पोर्शन हमने कट कर लिया तो ये जो बन गई ये हमारी बन गई आर्क। ठीक है ना, ये हमारी आर्क होती है, हम कंपास की हेल्प से भी इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम बना लेते हैं, आर्क हमारी बन जाती है कोई भी एक सेंटर लेके और ओपन करने के बाद कंपास को हम ये आर्क लगा सकते हैं। तो आर्क जो होती है इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी आर्क होती है वो सर्कल का पार्ट होती है। तो सेम वे में आपको देखना है कि फर्स्ट जो वर्ड है वो सेकंड का पार्ट होना चाहिए, जैसे आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, तो वॉच इज ए पार्ट ऑफ नीडल नहीं बना सही, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हाउस इज ए पार्ट ऑफ रूम, ये भी सही नहीं बना। ब्लेड इज ए पार्ट ऑफ सोफा, नो। टायर इज ए पार्ट ऑफ बाइक, यस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से आर्क जो है वो सर्कल का पार्ट है, उसी तरीके से टायर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, वो बाइक का पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 422। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया गया है हमें कि कैंडल जो है वो रिलेटेड है विक से, तो आपको देखना है कैंडल विक के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। उसी सेम वे में आपको बताना है पेन किससे रिलेटेड होगा। तो जो कैंडल यानी मोमबत्ती है वो विक जो होती है, हम उसकी बत्ती को बोलते हैं जिसके थ्रू हम उसे जलाते हैं। तो जैसे कैंडल को वर्क अगर आपको कराना है उसके लिए उसकी विक का होना जरूरी है, यानी कैंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विक। सेम वे में अगर आपको पेन से वर्क कराना है तो इनमें से किस चीज का होना जरूरी है, कौन सी ऐसी चीज है जो पेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है,
पेंसिल तो नहीं आएगा, निब यानी कि नोक जिसे हम बोलते हैं वो हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि इंक पॉट और लाइट भी राइट आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे कैंडल के लिए उसकी विक का होना जरूरी है तभी वो जल सकती है, सिमिलरली पेन के लिए उसकी निब यानी कि नोक जो होती है उसका होना जरूरी है, वरना तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 422 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 423। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है DFIM दिया है और उसको लिखा गया है CEHL। ठीक है, ये है D, ये है F, ये है I, ये है M। अब D को लिखा है C, F को लिखा है E, I को लिखा है H एंड M को लिखा है L। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे इसमें किया गया है। अगर देखिए, पहले आप ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें सेकंड ग्रुप से पहले वाले ग्रुप पे आना है, तो हम यहाँ भी यही करते हैं कि सेकंड से पहले वाले में लिंक देखते हैं क्या बना हुआ है। अगर आप सेकंड से फर्स्ट ग्रुप में आते हो तो सी के बाद डी आया है। ठीक है, इसका मतलब +1 किया गया है कि उसे एक नेक्स्ट वाला लिया गया है। सेम वे में ई के बाद एफ लिया गया है तो यहाँ पे भी +1 किया गया है। उसी सेम वे में एच के बाद आई लिया गया है और यहाँ पे भी एल के बाद एम लिया गया है। तो हमें यही करना है कि ये जो के एम पी टी हैं इसके जितने भी लेटर हैं उन सब में ही हमें +1 करना है, यानी उनसे नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर हमने लेना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, के से नेक्स्ट जो आएगा वो एल आएगा, एम से नेक्स्ट जो आएगा वो एन आएगा, पी से नेक्स्ट जो आएगा वो क्यू आएगा, एंड टी से नेक्स्ट जो है वो यू आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा एल एन क्यू यू, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 423 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्लियर है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत, अब तो आपको ये इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप फटाफट से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 424। और ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन से भी बहुत ही इजी है। इसमें जो हमें दिया गया है कि फर्नीचर इज रिलेटेड टू कारपेंटर, कि जिस तरीके से फर्नीचर कारपेंटर से रिलेटेड है आपको बताना है क्लोथ किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब फर्नीचर और कारपेंटर में क्या रिलेशन होता है कि फर्नीचर को तैयार करने वाला होता है कारपेंटर, यानी फर्नीचर किसके द्वारा तैयार किया गया, कारपेंटर के द्वारा। ठीक है, बढ़ई जिसे बोलते हैं, तो वो हमारा जो है वो फर्नीचर बनाता है। सेम आपको बताना है क्लोथ इनमें से कौन बनाएगा, जो बचर होता है यानी कि कसाई जो होता है वो बनाएगा, कोबलर बनाएगा, टेलर या फिर ब्लैक स्मिथ। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कपड़ा बनाने वाला, कपड़ा सीलने वाला कौन होता है, कपड़ा तैयार करने वाला, वो टेलर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 425। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, इसमें जो हमें दिया है वो है 16 और 16 के साथ हमें दे दिया है 272। अब आपको जस्ट इतना बताना है 16 से 272 कैसे आएगा, जिस तरीके से 16 से 272 आएगा उसी तरीके से आपको बताना है आपका 380 कैसे आएगा। ठीक है, अब अगर आप 16 से 72 तक जाना चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस 16 को 272 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसका मल्टीपल है और पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद ये जो आता है वो हमारा बन जाता है 17। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नंबर है अगर हम उससे नेक्स्ट नंबर के साथ ही उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर एन है उससे नेक्स्ट नंबर एन +1 है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सेकेंड नंबर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड नंबर आ गया। सेम आपको यहाँ देखना है कि ये जो आपका सेकेंड नंबर 380 जो आया है वो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ये आपस में मल्टीप्लाई करके आया है। तो फर्स्ट नंबर n है और उससे अगला नंबर n +1। तो आप क्या करोगे, जैसे 17 लिया, 17 का नेक्स्ट नंबर लेके देखोगे 18। तो जब आप 18 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे क्या 380 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही 23 लोगे, 23 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यानी 24 से, क्या उससे 380 आएगा, वो भी नहीं आएगा। 21 से भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा किससे आएगा, लास्ट वाले ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है 19, और 19 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये तो हमें पता चल ही गया ना, जैसे 16 को 17 से किया है, 19 को किससे करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 380। तो राइट जो हमारा ऑप्शन आया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 426। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर झारखंड जो है वो रिलेटेड है स्टेट के साथ, तो आपको देखना है झारखंड और स्टेट में क्या रिलेशन है। सेम तरीके से आपको बताना है लक्षद्वीप कैसे रिलेटेड होगा, इन चार ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड होगा।
तो झारखंड और स्टेट में रिलेशन ये है कि झारखंड इज अ स्टेट, जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट हमारा झारखंड है। सिमिलरली आपको देखना है, जैसे झारखंड एक स्टेट है तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप इनमें से पंजाब है? नो, यूनियन टेरिटरी है। यस, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। लक्षद्वीप रांची है या डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी को पता होगा कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड की गई है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम बोलते हैं, तो जो लक्षद्वीप है वो भी उन्हीं में से एक है। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया है वो आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 427। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, स्किन के साथ जो दिया गया है एक वर्ड वो है एक्जेमा, ठीक है। स्किन को एक्जेमा से रिलेट किया गया है, तो जो त्वचा और खुजली इनको रिलेट किया गया है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट जो वर्ड है उसके साथ जो सेकंड वर्ड है वो उसमें होने वाली एक प्रॉब्लम है, कि त्वचा जो है हमारी स्किन जो है उस पे जो प्रॉब्लम एक होती है उसका नाम दिया गया है एक्जेमा, यानी कि खुजली जिसे बोलते हैं। तो स्किन और स्किन की एक डिसीज दी गई है, तो आपको जस्ट इतना देखना है कि क्या आपके बॉडी पार्ट के साथ जो वर्ड दिया गया है क्या वो उसमें होने वाली एक डिसीज है। तो आपको देखना है क्या किडनी में होने वाली एक डिसीज डायबिटीज होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। क्या लंग्स में होने वाली डिसीज का नाम ऑक्सीजन होता है, ये भी गलत दिया गया है। क्या आईज में होने वाली एक प्रॉब्लम का नाम कैटरेक्ट्स होता है, ये आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आई मतलब के नेत्र, और जो कैटरेक्ट्स हैं हम उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो आंख में होने वाली एक बीमारी है मोतियाबिंद, जैसे स्किन में होने वाली बीमारी उसके साथ हमारे हमें यहाँ दी गई है, सेम वे में आई में होने वाली बीमारी उसके साथ यहाँ दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 428। इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास देखिए 12 दिया है, 12 को कंपेयर किया गया है 121 के साथ, और आपको बताना है तो 10 से क्या आएगा। 12 से आपको पहुंचना है 121 पर। कैसे पहुंचेंगे? 12 से तो 121 डायरेक्टली नहीं आएगा, हम क्या करते हैं 12 में से एक माइनस कर देते हैं और आपके पास आ जाएगा 11, और उस 11 का स्क्वायर कर दीजिए तो 121 बहुत ही इजीली आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था हमने उसमें से एक माइनस कर दिया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर कर दिया और हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब हमें अपना आंसर फाइंड करना है, यहाँ पे भी हम सेम थिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट नंबर जो दिया है वो क्या दिया है, वो 10 दिया गया है, 10 में से एक माइनस करना है और जो भी नंबर आएगा उसका जस्ट आपको स्क्वेयर करना है, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। 10 में से एक माइनस किया 9 आया, 9 का स्क्वेयर किया तो 81 आ गया, और 81 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 429। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो हमें दिया गया है P, E, C एंड L ये लिखे गए हैं। P को लिखा गया है O, E को लिखा गया है F, C को लिखा गया है H एंड L को लिखा गया है S, ठीक है ना, इस तरीके से हमें दिया गया है। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली इनको रिलेट करना चाहें, P से O कैसे बना, E से F कैसे बना, C से H कैसे बना, तो डायरेक्ट आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो P, E, C, L है ना इसकी पोजीशन अपोजिट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं स्वैप कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट में, लास्ट वाला है हमारा एल, उसके बाद है सी, उसके बाद है ई और उसके बाद आएगा पी। हमने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, पी ई सी एल था, एल सी ई पी कर दिया। अब देखिए अब एक प्रॉपर रिलेशन बन गया, एल के बाद ओ कैसे आया प्लस 3 करके आया, सी के बाद एफ कैसे आया प्लस 3 करके आया। अब प्लस 3 का मतलब क्या है वो आप लोगों को बहुत इजीली पता है, जैसे ई की पोजीशन 5 है, एच की पोजीशन 8 है, तो ई से एच बनाने के लिए प्लस 3 करना पड़ा, ये है प्लस 3 का मतलब, ठीक है ना। सेम वे में पी से एस कैसे आया वो भी आपका प्लस 3 करके आया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, जो दी गया हमारा जो क्लस्टर जो हमें दिया गया है हमें उस क्लस्टर को क्या करना है, उसको इन्वर्ट कर देना है। क्यू टी जे एम था, हमने उसको एम जे टी क्यू कर देना है, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन में 3 3 ऐड कर देना है, तो सबकी पोजीशन में 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है। एम की पोजीशन थी 13 थी, जे की पोजीशन 10 थी, टी की पोजीशन 20 थी, और क्यू की जो पोजीशन है हमारे पास वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 17, ठीक है। सब में 3 3 ऐड कर दीजिए, ये 16 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, ये 23 बन जाएगा, और ये आपका जो है 3 ऐड करने पे 20 बन जाएगा, ठीक है। 16 नंबर पे हमारा जो होता है वो होता है P, और 13 नंबर पे होता है M, 23 पे होता है W, और 20 पे होता है T, तो P M W T। तो राइट आंसर क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर बन गया, ठीक है ना। तो 429 का राइट आंसर जो आ गया है ऑप्शन नंबर C आ गया है, ठीक है ना।
समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 430। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया है कि 17 है, 17 से आपको बनाना है 306, ठीक है। जो 17 है वो दिया गया है हमें, और आपको 306 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? एक पहले भी हमने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था, जिस सेम तरीके से आप 17 से 306 बनाओगे, उसी सेम तरीके से आपको 21 से देखना है क्या बनेगा। तो पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बोला था 17 को आप इससे डिवाइड करके देख लो, अगर ये 17 का मल्टीपल होगा तो ये 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल पूरा पूरा ये इस पे डिवाइड होगा और 18 आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से एक लिंक मिल गया कि अगर हम फर्स्ट नंबर को, ठीक है, वही सेम लिंक आया जो सेम पहले अभी अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट दो तीन क्वेश्चन पहले, एक नंबर को उसी के नेक्स्ट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेकेंड नंबर मिल रहा है। तो हमें वही करना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है यानी 21 है, उसको उसके नेक्स्ट नंबर यानी 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट आंसर जो है आपका वो आ जाएगा, और वो क्या आएगा आप फर्स्ट डिजिट से ही आइडिया लगा सकते हो। तो जो यूनिट प्लेस आएगी 2 × 1 2 आएगी, और 2 यूनिट प्लेस पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो 430 का हमारा जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी आ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 430 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 431। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है क्या है, मैजिशियन इज रिलेटेड टू मैजिक इन द सेम वे एज जोकर इज रिलेटेड टू, कि जिस तरीके से मैजिशियन यानी जादू जो है वो जो जादूगर है वो जादू से रिलेटेड है, तो आपको बताना है जोकर किससे रिलेटेड होगा। अब देखिए, जो मैजिशियन होता है उसका काम होता है मैजिक शो करना, मैजिक करके दिखाना, ठीक है। तो जादू जो है वो हमें जादूगर जो है वो हमें जादू दिखाता है, तो जोकर हमें क्या दिखाता है, उसका काम क्या होता है, बॉल, मूवी, कॉमेडी या स्टेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सब लोगों को पता है, हम सबको पता है कि जो जोकर है उसका काम क्या होता है, कॉमेडी करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है ना, कि जैसे मैजिक का काम है, जो मैजिशियन है उसका काम है मैजिक करना, जोकर का काम होता है कॉमेडी करना, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 432। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक वर्ड दिया गया है टेम्पर, और टेम्पर को जो लिखा गया है वो लिखा गया है VGORGT, ठीक है। टेम्पल को लिखा गया है VGORET, बिल्कुल सिंपल सा है, TEMPER था, इसको लिख दिया गया है VGORGT, बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए टी होता है 20th पोजीशन पे, ये है 22 पे, ये होता है 5 पे, ये है 7 पे, ये होता है 13 पे, ये है 15 पे। आप देखोगे सब में ही प्लस 2 रूल यूज होगा, आप बाकियों में भी करके देख लीजिए, पी 16 पे है, आर आपका 18 पे है, यहाँ भी प्लस 2 हुआ है, जितने भी लेटर्स हैं उन सब में आप देखोगे कि उनकी जो कोडिंग की गई है वो प्लस 2 रूल के अकॉर्डिंग की गई है। तो हमें क्या करना है, फ्रेंड जो वर्ड दिया गया है उसके लेटर्स की भी हमें ऐसे ही कोडिंग करनी है। हम क्या करेंगे, FRIENDE इनकी जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो हम लिख लेते हैं, F हमारा 6 नंबर पे आता है, R जो हमारा है वो आता है 18 पे, I हमारा जो आता है वो 9 पे आता है, E 5 पे आ गया, N हमारा 14 पे आ गया, और D 4 पे आ गया। हमें क्या करना है, सब में प्लस 2 कर देना है। जब आप सबके अंदर प्लस 2 कर दोगे, ये 8 बन जाएगा, 20, 11, 7, 16 and 6, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट लेटर जो आएगा वो 8 नंबर वाला, 8 पे कौन होता है, H होता है, और H आते ही हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बन गया, क्योंकि H से स्टार्ट होने वाला कोई और क्लस्टर आपके इस पूरे ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया। तो बाकियों को चेक ना भी करें तो भी आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, करना चाहते हो तो लास्ट लेटर को चेक कर लीजिए, 6 नंबर वाला आएगा, 6 पे कौन होता है, F होता है, और इसके लास्ट में भी F दिया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 433। अब इसमें क्या दिया गया है, फोन एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, आपको जस्ट वो देखना है। एनालॉजी में यही होता है, आपको देखना होता है पहला शब्द या दूसरा शब्द वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। फोन का ये काम होता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट, और ये हो गया उसका वर्क पर्पज, कि किस पर्पज के लिए वो यूज किया जाता है। तो इनमें से भी आपको यही देखना है कौन सी ऐसी डिवाइस दे रखी हो, साथ में उसका पर्पस दे रखा हो, तो वो जो आपको मिलेगा वो आपके ऑप्शन नंबर बी से मिलेगा, कि जो बस है उसका जो पर्पस होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बाकी किसी में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि न्यूज़पेपर का पर्पस मैगजीन होता है या रेफ्रिजरेटर का पर्पस स्नो होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि बस का जो पर्पस है, बस किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी परिवहन जिसे हम बोलते हैं उसके लिए हम बस यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 344। इस क्वेश्चन 334, ठीक है।
इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है एच आर के सी दिया गया है और ई एन ओ एफ जो है आपका वो इसमें साथ में दिया गया है। देख लेते हैं क्या है एच के आर सी ई एन ओ एंड एफ। ठीक है, तो जब फर्स्ट में आप देखोगे ये जो हमारा होता है एट्थ पोजीशन पे ये फाइव पे, तो एट से फाइव गए हैं माइनस थ्री करना पड़ेगा, के इलेवन पे है ये फोर्टीन पे है तो प्लस थ्री करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस थ्री यहाँ प्लस थ्री, आर से ओ तक जाने के लिए आर एटीन पे है ओ फिफ्टीन पे है, फिर से माइनस थ्री हुआ है और यहाँ फिर से प्लस थ्री होगा। तो आपको पता चल गया एक बार माइनस थ्री करना है, एक बार प्लस थ्री करना है, फिर माइनस थ्री और फिर प्लस थ्री, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है एस आर वाई और के की पोजिशन लिखनी है। एस नाइनटीन होता है, आर एटीन होता है, वाई ट्वेंटी फाइव होता है और के जो होता है वो इलेवन होता है। आपको सीरियल वाइज करना है, 19 में से 3 माइनस होगा तो क्या बन जाएगा आपका, 19 में से 3 जब माइनस होगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर 16 आएगा और 16 वाला कौन होता है, पी होता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ए और डी आपके जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट है 18, 18 में 3 ऐड होगा, 18 में 3 ऐड होकर 21 आपका बनेगा, और 21 जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, वो हमारे पास किसकी होती है, यू की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो 434 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 435, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या दिया गया है के एस जे एंड एम यू एल, ये रहा के एस जे, इसको लिखा गया है एम यू एंड एल, के से एम पे गए हैं यानी कि 11 से 13 पे, तो क्या किया है प्लस 2 किया है, यहाँ 19 से 21 पे गए हैं यहाँ पे भी प्लस 2 किया है, यहाँ पे क्या कौन सी पोजीशन है इसकी 10 थी और इसकी 12 है, यहाँ भी प्लस 2 किया है। आपको यही करना है, दिए गए लेटर्स की पोजीशन में प्लस 2 करके आपको नेक्स्ट वाला लेटर क्लस्टर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए आर सी एंड यू है, अब तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो तो लेटर्स की पोजीशन वैसे ही आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। R की जो पोजीशन है वो हमारे पास आ गई 18, C की पोजीशन 3 एंड U की पोजीशन 21, सब में कर दीजिए प्लस 2, तो ये 20 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 23। 20 पोजीशन जो होती है हमारी होती है T की, ये होती है E की, ये होती है W की, तो राइट आंसर हमारा आ गया T E W यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। All the best for all your preparations, all your exams. Thank you very much.